देखिए, क्राइम ब्रांच लगातार ठगों, फर्जी करने वाले, जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अभी हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें महिला जो बुजुर्ग है, प्रौढ़ है, और जो खानाबदोश टाइप की है, बस से सफ़र करती है, रैन बसेरे में रहती है, और इसका कार्य क्षेत्र रायसेन, राजगढ़ और सीहोर जिला है। इसके द्वारा भोपाल में सम्मोहन करके झांसे में लेकर एक परिवार में जाकर और परिजनों की एक्सीडेंट में छोटी बच्ची से काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा, जेवर की ठगी और धोखाधड़ी करके गायब हो गई है। इसको तलाश करने पर हमने जब पता किया तो ये मंडीदीप, रायसेन जिले का बाड़ी और ब्यावरा, राजगढ़ जिले के आसपास इसके फुटेज में हमें दिखाई दे रही है। हमने इसके सबसे अच्छे फोटोग्राफ्स निकलवाए हैं। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर भोपाल के द्वारा 30,000 का इनाम जारी किए गए हैं। क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि ये अपील और इस नाम के जरिए लोगों में प्रचार प्रसार होगा, उत्साह होगा, और इसको पकड़वाने के लिए, सूचना देने के लिए पुलिस के पास आएंगे ताकि उनको इनामी राशि मिल सके। इनामी काफ़ी राशि काफ़ी बड़ी है। इसमें जो व्यक्ति इसमें सूचना देगा उसकी काफ़ी बड़ी मदद पुलिस के द्वारा हो जाएगी और इस ठग को पकड़ा जा सकेगा। संभवतः हमको लगता है कि भोपाल के अलावा भी इस महिला के द्वारा ठगी की और बहुत सारी वारदातें की होंगी जो पकड़े जाने के बाद हमारे प्रकाश में आएंगी, हमारे संज्ञान में आएंगी। सर, ये जो हमको अभी पैटर्न मालूम पड़ा है, ये पहले पता करते थे कि माँ जो घर के बड़े लोग कब घर में नहीं रहते हैं, बच्चे कब रहते हैं, तो ख़ास तौर से ये बच्चियों को ही झांसे में लेने का प्रयास करती हैं ताकि उनको किसी भी तरह से बातचीत में लेकर झांसे में लाया सके और वैसे की ठगी की जा सके। इस मामले में इस तरह ही कुछ माँ बाप पर काला जादू करने की बात के बच्चे से पैसे और रकम धोखाधड़ी पूर्वक ले ली गई थी। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किए तो इतना सारा सूचना और जानकारी आई है। अगर आम जनता की मदद होगी और इसके बारे में हमको सूचना मिलेगी, हम शीघ्र पकड़ के कार्रवाई कर पाएंगे। बहुत अच्छा फोन दे रहे हैं।